यार आज तू है ना कुछ अच्छा खाने को मन कर रहा है। एक काम करते हैं, सोनू के घर चलते हैं। सोनू की मम्मी ना बहुत अच्छा खाना बनाती है। हाँ ये बात तो तू ठीक कह रहा है, चल मैं उसको फोन मिलाती हूँ। ठीक है भाई। रे ईसा को एक काम बता, जिस तरह हम रात तो रात करोड़पति बन जा और मजा आ जा। भाई फिर तो एक काम करे। हाँ हाँ बता बता बता। नो करे, ऊंट के मिंगण सुखा सुखा बेचण लाग जा। रहो बाउडी त्रेड, यो कोई काम करण का हटे ना। और तू अड़े झाज बनाओगा, बनेगा करोड़पति। शकल देख, चुनो ब्याह में बधाई मांगनी आओ। हाय हाय। हेलो 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 सोनू, कैसा है तू? बढ़िया जी, कौन? अरे यार मैं तेरी कॉलेज की फ्रेंड दिव्या बोल रही हूँ, दोनों साथ पढ़ते थे ना। ना जी ना, पढ़ा तो कोई और करता, मैं तो सदा मुर्गा बना रहा करता वहाँ पे। वो कल के दुश्मन है, मने दे फोन। हेलो मैं मोनू बोल रहा हूँ, आप कौन? अरे मोनू मैं बोल रही हूँ, दिव्या। हाँ दिव्या कैसी है तू? हाँ मैं ठीक हूँ, तू अपनी बता। बस बस बढ़िया बढ़िया। अच्छा सुन, मैं और अमन तेरे घर आ रहे हैं। अच्छा अच्छा कोई नहीं दिव्या, आ जाओ। ठीक है। राज तुम हमारे कॉलेज के दोस्त नहीं थे रमन और दिव्या? वो हमारे घर ना हुए हैं। चल माने बोल दे, फिर खाना बना देगी। यार दोस्त आओ अपने। अरे कित बोल लगा मान है, आड़े बुला लेना, आड़े आ जाएगी। माँ। ए माँ। ए री माँ, कित साई एक बोर है। हाँ बोको, क्या ते गला पाड़न लाग रहे सो, यह खड़ी थारे सर पे। अरे माँ हमारे ना दोस्त आने वाले हैं, जाके खाना बना दे, बढ़िया सी खातिरदारी करनी से उनकी। क्यों दोस्त थारा लगन ले का से? माँ टाइम पर सारा सौदा आ जाएगा, क्यों बे फालतू की भड़क ले रही से? और देखिए हमारे दोस्त खातिर बढ़िया खाना पीना बना दिए। ठीक से। क्या रहे है फोन में, क्यों दीदे गाड़ रहे है? अरे ओ भाई डट जा। अच्छा आन दे माने, सारी बताऊंगा आज, कोई काम नहीं करता। जाके देख वो दिव्या आ रहे होंगे, जाके देख। भाई यार तू देख ले मेरे पाए में दर्द, जाके गेट। भाई यार मेरे सर में दर्द हो रहा है। भाई जा यार। जाने यार। चल रहे दोनों भाई, चलेंगे। ले खटखटान लग रही है। तू आ रहा है वही मंदिर, दिव्या आ गए होंगे, चल यार आ जा। अरे क्या हाल है? बहुत बढ़िया, कैसे हो भाई? बस बढ़िया एकदम बढ़िया। दिव्या तू कैसी है? अब सारी बातें यहीं करोगे या अंदर भी आने दोगे? हाँ आओ आओ आओ। बिन बुलाए बराती। क्यों बुला रहे हो? ना ना कि मैं निभाई हो तुम्हें उठ लाओ है, तू आजा बैठ। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बालको, आ गए थम, थारी भी डल बाट हो रही थी जनु पाटड़े पे बातिया की। माँ तू एक काम कर, मारे दोस्त खातर चाय बना लिया। बेटी इतनी गर्मी में चाय पिया करे, बहुत गर्मी से। तो माँ एक काम कर, पेप्सी लिया। बेटा पेप्सी तो मैं काले सारी सपड़ा गी, टोपा भी ना रह रहा बोतल में। आंटी फिर तो एक काम करो, लस्सी ले आओ, वही पी के काम चला लेंगे। हे बेटी लस्सी पी के तो मोनू सोनू का दादा मर गया था, और जब पाछे तो मैं लस्सी बनाती है कोन्या, और हम पिया भी ना करा। माँ तू एक काम कर, मेरा बाप बाबू बादाम लिया था वो ले दे, मेरे दोस्तों ने खा कर राजी हो जाएंगे। घर में 150 ग्राम बादाम के आगे सारा घर सर पर ठहरा क्या है, कदे थारे बाप ने भी खाए से बादाम। ए माँ क्यों हमारे दोस्त आ गए, हमारा जुलूस काट दस है। घर में बादाम का दाना क्या आ गया, सारे गांव में ढिंडोरा पीट आए। माँ फिर लिया ना बादाम ने, मैं भी इतर दर दर के काम आऊंगे वे। 150 ग्राम बादाम से उनने थारे बाप के दूध में भी घेर दो, पूजा भी कर लियो, और इन लंगोड़े ने भी खवा दो। हमने ना खाना जी कुछ, हमारा तो थारी बत्ता तई पेट भर गया। चल बेटा रोटी पानी खा का आए थे, अकीब जाके खाओगे? नहीं आंटी जी हम घर जाके ही खा लेंगे, नमस्ते। दरे जाओ भी नीचे ना। सोनू मोनू कड़ा मर गए दोनों, कोई सा भी ना दिखता। हाँ माँ क्यों किलकी मारे से, क्यों होया? कड़ा धक्के खाता अंडे से पिल्ले से। अरे माँ मैं नाई के जा रहा था। नाई के बैठ के मोड़ बनावे था? अरे माँ बाल कटवा के आया हूँ। अरे एक भी कैंची ना भर रही इनमें, कड़े तो कटवा का ऐसे। अरे इतने छोटे तो करवा दिए। अरे तीसरे दिन नाई का 50 रुपये पूजा हो, अरे एक भी बाल ना कट रहा, अरे ढाटी का कई में डेरे बेवाओगा। अरे माँ इसके 30 रुपये और लेता नाई, ज्यादा ना कटवाई। नू क्यों कर ले लेता, तेरे बाप की सारी उम्र गई, 30 रुपये में बाल भी कटवा लिया करता है ढाडी भी।
माँ नू करे अगर 2 रुपए दे दे, 2 रुपए का लेकर आऊंगा ब्लेड, ब्लेड से मेरे बाल भी साफ हो जाएंगे और दाढ़ी भी। हाँ या करी तो ना पते की बात, मेरा ही बेटा से। हाँ माँ के बात करी से तू आज इस बंदर से थे? आ गया बेटा। हाँ। आज बैठ जा। अरे माँ यो तो तेना घना अच्छा लगे करे, अरे मैं इतना भुंडा? यो तो मेरा लाल से, इसने ही बना दूंगा एक गुस्से में लाल। रे मेरे अरे मेरे पीले, कती अपने बाप पे गए सो? के बात माँ, मेरा बाप भी सतरंगी सगे। पूछे मत ना, तेरे बाप में तो 8 रंग से इंद्रधनुष के। रंग तो 7 से। अरे बाबू में खोली आदमी से, एक आधा रंग तो फालतू पाए जाया करे। सही कह रहा है बेटा, एक बार की बात बताऊं तुमने? हाँ हाँ माँ बता बता। एक बार थारा बाबू मने लेन से ले गया। अच्छा माँ फिर क्यों होया? होया के बेटा, रात न पहुंचा था, अंधेरा हो रहा था और गांव में लाइट थी नहीं। अच्छा माँ फिर क्यों होया मेरे बाबू का? होया के बेटा, मेरा आगा हाथ जोड़ कर न्यू बोला, मम्मी जी नमस्ते, मैं भी असली उठती, मैं नु बोली जीता रहे बेटा। बेटा रोटी तुमने बना दी, सब्जी में की बनाऊं बता देते, तेरा बाबू तो करेला की कह गया था। माँ एक काम कर पनीर बना ले। बेटा पनीर तो घर खत्म हो रहा है, मार्केट तो लेना पड़ेगा, तेरा बाबू तो करेला की कह गया था। तब भटूरे खाए घने दिन हो गए, भटूरे बना ले। बेटा भटूरा में तेल घना हो सेज जाएंगे, बाकी तेरा बाबू करेला की कह था। नू कर करेला न छोड़ के और चेकी में बना ले, और मेरी मन तो नू कर राजमा चावल बना ले। ना बेटा राजमा चावल तो तेरी दादी ने सेज जाएंगे, बादी कर जाएंगे, बाकी तेरा बाबू करेला की कह था। माँ फिर तू पूछन क्यों आई थी, बना ले करेले। फिर तो मने बना लिए और मुँह हाथ धो के तावले से आ जाओ। माँ इन तेरे करेले ने भी हम जमा बांस दिए, चल आए तो खाने पड़ेंगे बना दिए। सोनू बेटा। हाँ माँ बोल। क्यों या बेटा, तेरी नानी तो बात करे घने दिन हो गए, एक बार फोन मिला के दे मने। अरे कल परसों तो बात करी थी माँ, घने दिन क्या माँ हो गए? क्यों तू अपनी माँ ते रोज बात कर कैसे है, तो मैं नहीं कर सकती, तावड़ा मिला के दे। ठीक से कर ले बात, लेकिन जल्दी दे दियो काम से मने। हाँ ठीक से। हेलो। हाँ माँ नमस्ते। ए माँ ठीक से के तू, मेरी औलाद ने तो कति नाक में दम कर रखा से, 24 घंटे फोन में बड़ी रहस है, जा मारे तो तेरे तो बात ना कर पाती। और एक बात और सुन माँ, मेरी दुरानी ने तो कति इलाज शर्म तार कदर रखी से, मेरे सुसरे तो ऑनलाइन ना करती, होती है ना शर्माती बात है। और माँ मैंने तो एक दिन कह दी घूंघट कर लिया कर, मेरी तो न्यू बोली 80 साल का बुढ़ा से, इसने के मुँह दिखा था। और मैं एक बात और सुन, बेरस है मेरी दुरानी चाहे कितना ही घटिया काम कर ले और मैं चाहे कितना ही अच्छा कर लूं, मेरी सासू मन ने तो गाल दे जागी और उसने काक में बाड़े रहगी, बेरा ना के गोल का प्यारा ख्यास है। और माँ मैं एक दिन सुनीता हर का जूस की मशीन मांगन चली गई, मेरी तबेरा के बोली, न्यू बोली आड़े काट ले जाया कर, फिर मैं भी के गाट थी माँ, मारा आई एक दिन और न्यू बोली बेबे वो हरी चाहिए थी, मैं भी न्यू बोली बेबे आड़े आकर काट लिया कर। अरे एक बात और सुन माँ, कुत्ती मजे की मित्राम बाणिया की छोरी नहीं थी ये माँ, वो बाजगी, अरे जिसकी गले बाजी नहीं थी उसकी स्प्लेंडर में 20 रुपया का तेल था, चौक पर जानते ही पकड़ ली, और कति समार समार के लाए माँ, उन्हें तो खूब मजे लिए। अरे एक बात और सुन, जो स्प्लेंडर भरी होती तो वाके हड़प पावे थाईलैंड पावे माँ थाईलैंड। माँ दे दे फोन, घनी देर होगी बात करते करते। एक मिनट माँ होल्ड राखिए, अरे के जुलम हो गए, 2 मिनट बात करती ना ऐसे। 2 मिनट हुई है, 2 घंटे हो गए माँ बात करते करते। तेने सुन ली माँ, जीण नहीं दे रही औलाद मने। अच्छा माँ फिर करूंगी फोन, ले पकड़ अपना डोबरा। ये हैं इस कॉलेज के अंग्रेजी के अध्यापक, इंग्लिश के प्रोफेसर। ये पढ़ाना तो चाहते हैं छात्रों को, लेकिन छात्र इनसे पढ़ना नहीं चाहते, और ये अपने ही अंदाज में रहते हैं, चुलबुले अंदाज में रहते हैं। और ये इस कॉलेज में नहीं आई है, और ये हैं फिजिक्स के प्रोफेसर। मैं बताना तो चाहता हूँ इनके बारे में, लेकिन इंग्लिश के प्रोफेसर बुरा मान रहे हैं। और ये कक्षा के वो छात्र हैं जिन्होंने पिछले 6 साल से पिछली वाली सीट को अपने लिए राजनीतिक गद्दी समझ के रिजर्व किया हुआ है। ये उस कक्षा को छोड़ना तो चाहते हैं, पर अफसोस इनका रिजल्ट इनकी कुंडली में शनि बनकर बैठा हुआ है। और ये है मल्लिक, इनका नाम मल्लिका नहीं है लेकिन ये बातों की मल्लिका है, इनको कोई भी नहीं छोड़ना चाहता।
के है यार, सारा दिन फोन में पड़े रहे। ये नया बम आया है कॉलेज में? अरे यो बम नहीं, आइटम बम है, देखो कौन सी क्लास में फूटेगा। अरे मैं तो कहूँ ये बम यही फूट जाए, मजा सा आ जाएगा। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे लाइब्रेरी कहाँ पे है? हेलो, मैंने कुछ पूछा है आपसे, बता सकते हो? हाँ जी बिल्कुल है। एक काम करो, यहाँ से ऊपर जाके पीछे से नीचे उतर जाना, और सीधे चल के फिर कोने की साइड मुड़ जाना, और नाक की सिदाई में सीधे चलते रहना। ओके थैंक यू। अरे हमें थैंक यू मत बोलो, क्योंकि हम तो आपके अपने हैं। अरे भाई ये तो मस्त आइटम है, मजा आ गया यार देख के। अरे भाई मेरा तो जमा जी लिकड़न हो रहा है, मेरे मुंह में फूंक मार दे कदे मेरा दम लिकड़ जा। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं रूम नंबर 20 का है? ओए होए, तू आज नई आई है कि कॉलेज में? जी हाँ, आज मैं नई आई हूँ इस कॉलेज में। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम है पायल। अबे तो मैं सोचू जरा नाटक करे तो उठ रहा है। जी आपने कुछ कहा? नहीं नहीं, ये कह रहे हैं यहाँ से सीधा जाइए, फिर लेफ्ट लीजिए, फिर राइट लीजिए, फिर लेफ्ट लोगे ना तो आपको रूम नंबर 20 दिख जाएगा। अच्छा ये बताइए आप कौन सी क्लास में हैं? मैडम हम क्लास में नहीं, प्रोफेसर हैं। ओह सर सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। पहचाना ना, माथे में पर्ची ला रहे हैं। माथा देखो जैसे सांड कूड़े में टक्कर मार के आ रहा हो। इसको छोड़ो मैडम, आप हमारा नंबर ले लो। हर समय सर्विस अवेलेबल, 24 घंटे आपकी सेवा में, क्योंकि हम तो आपके अपने हैं। थारी बुआ जावे है पराने, एक काम करो लोटा लियो और पानी भर के सड़ा आओ कती गेट थी जाके। सर आप कहाँ से आ गए? आनने के यो गंगा जी नहाने जा रहा था, आया होगा कि ते बीड़ी बेड़ी पी के कुंड में बैठ के। नहीं नहीं गुरुजी बीड़ी नहीं पीते। और गुरुजी जर्दा चबाया कर रहो बहन के भाइयों, चुपचाप क्लास में हो लो ना, थारी आड़े पनवाड़ी की दुकान खोलवा दूंगा ठीक से। गुरुजी क्लास में तो लेंगे, पहले आप मने एक बात बताओ, दुकान करे पछ है पान चूना लगा देना है सुखा? अरे डट जाओ तुम ना, थरा आला सुक्का तो मेरा जूत करेगा कमीनो। अरे नहीं नहीं सर ऐसा मत करना, क्योंकि हम तो आपके अपने हैं, वो भी पिछले 6 साल से। अरे आपने मुझे जो एड्रेस बताया था वो तो सीधा घुमा के मुझे आपके पास ही ले आया। अरे सर आपने जो मुझे रास्ता बताया था वो तो आगे से बंद है। अरे मैंने कब आपको रास्ता बताया? अरे नहीं सर आपने नहीं, ये जो दो प्रोफेसर खड़े हैं इन्होंने रास्ता बताया था। है? ये अरे प्रोफेसर, रे बहन के टक्को तुम कद प्रोफेसर लागे, मने तो भेरा ही नहीं पाटा। अरे सर एक ही क्लास में 6 साल हो गए हैं, इतना तो हमारा फर्ज बनता है ना सर। सर आप मारो मत इन्हें, मेरे कहने से छोड़ दो। गुरुजी ये नैन लिकड़ के बाहर पड़ जाएंगे, फिर चुगे जलियो बैठ के मखाने से इनके। आराम जा दो भाजलो आड़ते। मैडम जी आप नए आए हो क्या कॉलेज में? हाँ जी सर, मेरी आज ही पोस्टिंग हुई है कॉलेज में। अच्छा, और मैं फिजिक्स की प्रोफेसर हूँ। और सर आप? मैं तो जी इंग्लिश का प्रोफेसर हूँ इस कॉलेज में बहुत टाइम से, और अब तक रंडवा हूँ। रंडवा मतलब? मतलब अभी तक कुआरा हूँ जी, कतई सिंगल पीस। और जी आप? हाँ जी मेरी भी अभी तक शादी नहीं हुई। चलो ठीक है सर, नाइस टू मीट यू। परदेसी जाना नहीं हमें छोड़ के। गुड मॉर्निंग काम्या जी, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग सर, आई एम फाइन एंड यू? मैं बहुत बहुत बढ़िया जी, बस दया मालिक की आशीर्वाद आपका। मेरा कैसा आशीर्वाद? बस जी न्यू है। ओहो कति नस जा लिया जी, देखियो कुकर बस पलट रही है खाई में। सर बस नहीं पलटी हुई, आपका अखबार पलटा हुआ है। ओ गलती होगी जी, गलती होगी। कोई नहीं सर, हो जाता है ऐसा।
वैसे आप आज खाली कैसे हो? आपकी क्लास नहीं है क्या? क्लास? मेरी क्लास में कोई बच्चा तो होता नहीं जी, सब बंक मार जाते हैं। मैं अकेला वहाँ बैठ के करता क्या, इसीलिए यहाँ पे आ गया। अच्छा सर, ऐसी बात है क्या? यहाँ के बच्चे ऐसे ही है क्या? जमा जी जमा, कतियुत बालक है यहाँ के, बड़े आरामी है, और खासकर वे दो, आप ना उनसे बच के रहना, वे जो आपको बाहर मिले थे। ओके सर, ओके, मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगी। ठीक है सर, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है। ठीक है जी, बाद में मिलते हैं, आप पढ़ो अखबार। ठीक है जी, ठीक है जी। पायल, कैसी चल रही है तेरी पढ़ाई? बहुत अच्छी मैम, आप बताओ आप कैसे हो? हाँ मैं भी ठीक हूँ, बस थोड़ा सा फैट बढ़ गया है, मैं भी तेरे जैसे स्लिम दिखना चाहती हूँ, बताना क्या करूँ? मैम इसके लिए तो आपको ग्राउंड में आना पड़ेगा, मैं भी रोज शाम को जाती हूँ ग्राउंड में, आप भी आ जाया करो। अच्छा क्या करते हैं ग्राउंड में? वहाँ पे योगा, व्यायाम, बहुत सारी एक्सरसाइज करती हूँ, आज से आप भी स्टार्ट कर दो। ठीक है पायल, आज मैं शाम को जरूर आऊंगी। ठीक है मैम, मैं चलती हूँ। ओके। भाई रोहित, आज शाम को पार्क में ना पायल से अपने दिल की बात कह ही दूंगा। तू क्या कहेगा, प्यार तो वह मेरे तक रहे है, तू तो खाम खाए उलझ रहे है। अरे यार वो तना अपना बड़ा भाई माना कर। आने तू, आज शाम ने देख लेंगे। देख लेंगे, चल। ओ बेटे सुमित, बन गई आज तो बात। ओले तू भी तैयार, और पहुंच जा सामने ग्राउंड में पाछे पाछे, और कर दे अपने प्यार का इजहार। आह हा हा हा। बेराना या काम्या मैडम कड़े रहेगी आज, कि कती आधी रात करके आवेगी के? हाय रे पायल, कड़र रहेगी तू, मेरा तो फूल भी मुरझा गया, कितने चौराहे में पा तो नहीं आ गया तेरा। अरे पायल कहाँ रह गई, अगर मेरे से पहले रोहित से मिल गई ना तो सारी बात ही बिगड़ जाएगी। हेलो, गुड इवनिंग मैम। मैम मुझे बहुत जरूरी काम है, आज मैं ग्राउंड में नहीं आ पाऊंगी, और हम कल से प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। हाँ जी मैम। रख दो, तुम क्या कर रहे हो आड़े? सर आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? मैं तो बस योगा करने आता हूँ यहाँ पे शाम को। पूरे योग गुरु हो रहे हो सर जी आप तो। गुरु जी फिर हाथ में फूल लेके कौन सा योगा होने लग गया, यो कोई नया योग आ गया के हम नहीं बता रहे? मूर्खो, फूल में जो खुशबू होती है ना वो बहुत ही मंगलकारी और बहुत ही सुगंधित होती है, मन को प्रफुल्लित कर देती है एकदम। बेरा सामने तू किसे मंगल गान करना रहे, पुरानी फिल्मा की डाकू? पर तम अड़के करो हो। सर हम तो यहाँ पे एक्सरसाइज करने आ रहे हैं। फूल में कौन सी एक्सरसाइज हो अगर भाई? ना ना गुरु जी, यो तो नुए सुंगन खातर तोड़ लिया था। बेटा बेरा से मना तुम कौन से फूल पर मंडरा रहे हो, मार की माखी डाल। गुरु जी के सोचने लग गए? अरे तुम घर जा कर पढ़ लो, पेपर भी शरपा लिए हैं, और जब ईब का तुम फेल हो गए ना कॉलेज तक काट दूंगा, बता दिए। सर सर ऐसा मत करना प्लीज, क्योंकि हम तो आपके अपने हैं। पायल इतनी आग गड़ा के मत पढ़ा कर, इतना ध्यान इस पर दे रही, मारे पर दे ले, मारी जिंदगी ना सुधर जाए। कहाँ से आ गई तुम दोनों, चैन से पढ़ने भी नहीं देते। अरे हम क्या तेरी कॉपी छीन के भाग रहे हैं, बात करने आए यार तेरे से। क्या बात करनी है जल्दी बोलो। देखिए पायल, तू इतनी गुस्से में मारे तो दूर दूर न रहा कर, बता मारे की ओपरा हो रहा है, कदे प्यार तभी बोल लिया करे। सही कह रहा भाई तू, ये हमसे हमेशा ऐसे ऐसे भागती रहती है जैसे हमें कुत्ता खांसी हो रही हो। क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों, जाओ यहाँ से, पढ़ने दो मुझे, मेरा अभी बहुत सारा सिलेबस बाकी है। पढ़ लिए तेरा टाइम सही बताओ, तू कह तो तेरे खतर कंटीन मत है, ठंडी ठंडी 2 लीटर वाली बिल्कुल चिल्ड पेप्सी मंगवा दूं। मुझे नहीं पीनी कोल्ड ड्रिंक। और क्या तू शकरकंदी खाती है, हमेशा घूमती रहती है नाखून बढ़ा के। पायल यार तू कितनी खूबसूरत है, तुझे देख के मुझे एक शायरी याद आ गई, अभी सुनाता हूँ तेरे को, सुन तू। रुक जाओ कवाल, रोक ले तेरी शायरी ने। तुम दोनों की बकवास हो गई हो ना, तो जाओ प्लीज यहाँ से, मुझे बहुत काम करना है। पायल तुझे देखा तो ऐसा लगा जैसे हमारा कोई पुनर्जन्म का साथ हो, और भगवान ने इस जन्म में फिर मिला दिया। पा पुनर्जन्म कुछ नहीं होता,
मुझे ना ऐसा लग रहा है तुम्हारे पितर रूस रहे हैं, उनके ऊपर तक चादरा वार का दर्द है। ओहो, कहूंगा मेरी माता जा कर यह बात। ओ रुक जा भाई, बन जान दे मेरी बात। जस्ट शट अप, तुम जाओ दोनों यहाँ से, नहीं तो मैं प्रिंसिपल से शिकायत कर दूंगी तुम्हारी। पायल, तेरे में कोई ऊपर अपराया तो नहीं है, कोई भूत प्रेत की शिकायत तो नहीं है? और देखिए ऐसा काम ना कर दिए तू, क्योंकि हम तो आपके अपने हैं। काम्या जी, आज इतने खुश कैसे हो आप? अरे सर, आज अपने कॉलेज का रिजल्ट आया है और मेरे सब्जेक्ट में सभी बच्चों ने बहुत अच्छी डिवीजन हासिल की है। अच्छा, और इसी खुशी में प्रिंसिपल सर ने मेरा प्रमोशन करके ट्रांसफर दूसरे कॉलेज में कर दिया। क्या कहा, ट्रांसफर? हाँ जी। इसका मतलब आप हमें हमेशा के लिए छोड़ के चले जाओगे? हाँ जी सर, अब मैं चलती हूँ, मुझे भी पैकिंग करनी है। ठीक है, बाय सर। सुमेर, आज तो अपना रिजल्ट आना है, पता नहीं कह रहा होगा। होना क्या है यार, पिछले 6 साल से जो हुआ है इस बार भी वही होगा। ओ लखवा के मरीज, बांगे पाए आले, सुतरा बोल, शुभ शुभ बोल। कि मैं शुभ शुभ क्या बोलूं यार, ना तू कुछ लिख के आ रहा, ना मैं कुछ लिख के आ रहा। तूने भी मोर बना दिया, मैंने भी मोर बना दिया, अब कल्याण हो जाएगा दोनों का। अरे आज तुम दोनों ऐसे कैसे बैठे हो? के बात, आज हम सर नीचे पांव ऊपर कर रहे हैं, ठीक बैठे सा। अरे मैं ये कह रही हूँ कि ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठे हो? अरे पायल, रिजल्ट आना था आज अपना, देखते हैं अब क्या होगा। अरे पागलो, रिजल्ट तो आ चुका है और मेरी फर्स्ट डिवीजन आई है। क्या? क्या? हमारा क्या रहा? रहना क्या था, अब की बार तो तुमने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। अच्छा, इसका मतलब हम पास हो गए? नहीं नहीं, पास नहीं हुए, तुम दोनों ने 7वीं बार फेल होने का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया अब की बार। क्या? क्या? हाँ। अरे, अरे भाई, अरे। त्रिपाण खाई मारू, हमारे फैल हो गए, तू हंसन लाग रही है, कीड़े पड़ के मरेगी, मारे पे हंसन लाग रही। ओ स्टूपिड, मैं तुम दोनों के ऊपर नहीं हंस रही, मैं तो अपने घर जाने की खुशी में हंस रही हूँ, अपने मम्मी पापा के पास, क्योंकि वो तो मेरे अपने हैं। अरे गुरुजी का क्यों रहे? क्या हुआ गुरुजी, क्यों रो रहे हो? रे मेरी तो दुनिया उजड़ गई। पर थारे के हो गया? गुरुजी आपके लिए हमारी भी उजड़ गई। अरे मेरे कॉलेज के आन बान शान और होनहार विद्यार्थियों, ऐसे कैसे उदास बैठे हो, क्यों रो रहे हो? कुछ नहीं मैम, हम आज एक बार फिर से फेल हो गए। और हमारे कॉलेज के सबसे मेहनती, कर्मठ और काबिल प्रोफेसर सुमित को क्या हो गया? कुछ नहीं मैम, बस आग में मच्छर चला गया था बस। अरे बात तो कुछ और है तुम तीनों की, पर मुझे बताओ तो, क्योंकि हम तो आपके अपने हैं। है? हाँ,